बड़े चोरों ने सेंट्रो कार से उड़ाया 40,000 रुपए। प्रयागराज के कचहरी पेट्रोल पंप के पास खड़ी सेंट्रो कार का शीशा तोड़ उड़ाए 40,000 रुपए और कुछ जरूरी कागजात। आपको बता दें कि बनारस में शिक्षा विभाग में कार्यरत है जिनका नाम डॉक्टर ओम प्रकाश, रजिस्ट्रार संपूर्ण आनंद, जो कि बनारस के कचहरी में JPF से पैसे निकालने आए थे। ये मामला दिनांक 18 सितंबर दिन शनिवार समय लगभग 2 बजे के आसपास, जब पीड़ित डॉक्टर ओम प्रकाश कचहरी पेट्रोल पंप पर अपनी सेंट्रो कार खड़ी किए तो कार पंचर थी। पीड़ित डॉक्टर अपने ड्राइवर से पंचर बनवाने को कहकर कचहरी की ओर एक अधिवक्ता से बात कर रहे थे, तभी उनकी कार का शीशा तोड़ चोरों ने कार से 40,000 रुपए उड़ा ले गए। आपके साथ आज अभी मैं जो है निकाल लीजिए। आपके साथ क्या घटना हुई? आज मैं जो है यहाँ पर ट्रेजरी में आया था, मेरा GPF का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ था, उसकी एप्लीकेशन भी हमने दिया था। तो जैसे ही अंदर गया तब तक बाहर मेरी गाड़ी खड़ी थी जो पंचर हो गई थी, तो हमने कहा था कि ड्राइवर को कि आप जो है इसको ठीक करा लो। और ड्राइवर उसको जो है हवा डलवाने जब बाहर गया, इसी बीच जो है अटैची मेरी जिसमें महत्वपूर्ण कागजात भी थे, कुछ पैसे थे जो रखा गया था। लमसम कितना रहा होगा? लगभग 40,000 रुपये होगा। और कुछ दस्तावेज, वो एक छोटा बैग था जिसमें हमारी मेडिसिन थी। अच्छा, बैग जो था। कहाँ से आ रहे थे डॉक्टर साहब? मैं बनारस से आया। अच्छा, रहने वाले पूरा एड्रेस बता दीजिए। मैं बनारस में ही कि किस के विभाग में है? मैं शिक्षा विभाग में हूँ। अच्छा अच्छा, पूरा नाम बता दीजिए आप। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश संपूर्ण। घटना की जानकारी जब थाना कंडरलगंज को हुई तब पुलिस घटना स्थल पर पहुंच घटना का जायजा लिया और वहीं पर ही अधिवक्ताओं ने जमीन पर बैठ न्याय की गुहार लगाने लगे और पुलिस को FIR लिखने के लिए कहा। वहीं पूर्व कोषाध्यक्ष रत्नेश कुमार शुक्ला ने बताया कि डॉक्टर ओम प्रकाश जी मेरे क्लाइंट हैं, मुझसे मिलने आए थे और वो अपनी कार खड़ी कर मुझसे बात कर जब अपनी कार के पास वापस पहुंचे तो देखा पीछे का शीशा टूटा हुआ है और अटैची गायब है, जिसमें बताया जा रहा है कि 40,000 रुपए और जरूरी कागजात भी ले गए। मेरा मुकिल था, गाड़ी खड़ी करके मेरे पास मिलने आया और गाड़ी यहाँ पंचर हो गई थी। मेरे पास गया, कहा भैया गाड़ी पंचर हो गई है, ड्राइवर जो है स्टेपनी भी पंचर है, ड्राइवर जो है स्टेपनी बनवाने जा रहा है। और मेरे पास आया, मैंने कहा जाओ पेपर लेके आओ अपना आओ, और जैसे यहाँ पेपर लेने आया देखा कि जो है ईंटे से शीशा तोड़कर उसमें से रुपया और पेपर निकाल लिया गया है। इसकी सूचना हम लोग लगभग 2 बजे से पुलिस प्रशासन व वरिष्ठ अधिकारियों को दे रहे हैं, कोई नहीं आया। मजबूरन होकर जब हम लोग बैठे सड़क पर तब आए और कहा कि FIR दर्ज कर रहे हैं। अभी ये पता नहीं है कि FIR दर्ज हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन FIR दर्ज करने को CEO साहब ने कहा है। मैं रत्नेश कुमार शुक्ला, पूर्व कोषाध्यक्ष, शासकीय अधिवक्ता, जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज। ले भैया होते हमारी भी देखिए और पीछे जाओ आप लोग।